नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जौनपुर में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने मामले में जौनपुर न्यायालय ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 7 लोगों को आरोपी मानते हुए गिल्टी होल्ड की है। कोर्ट ने 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल 4 फरवरी 1995 को जौनपुर के शाहगंज GRP लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को छुड़ाने के दौरान सिपाही अजय सिंह, लल्लन सिंह और एक दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई थी। जौनपुर की अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट नंबर 3 ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। ये जो है उमाकांत और उनके सहयोगी द्वारा GRP शाहगंज पर चढ़कर सारे मतलब दिन में जो है इन लोगों ने आतंक पैदा किया था। गोलियां चलाई गई थी, बहुत काफ़ी राउंड गोलियां चली थी, जिससे दो लोग, एक लोग ऑन स्पॉट मर गए थे, दो लोग इंजर्ड थे, 3 इंजर्ड थे और काफ़ी आतंक फैल गया था। दीवारों में भी छेद हो गया था उसमें। क्या क्या इस पे फैसला आया है? इसमें आज जो है सजा के बिंद पे सुनवाई के लिए निर्धारित कर गई, सजा सुनिश्चित कर दी गई है, गिल्टी होल्ड कर ली गई है। मुख्यतः 302 है, इसके बाद सपठित धाराएं हैं। 7 लोगों को, उमाकांत सहित 6 अन्य। हरदोई के संडिला कोतवाली में एक लेखपाल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और फिर गर्भपात कराने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने इस मामले में लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल आरोपी लेखपाल इस समय लखनऊ में तैनात है। लेखपाल पर आरोप है कि उसने हरदोई में तैनाती के दौरान महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और उसके बाद जब महिला गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया। पुलिस आरोपी लेखपाल के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ये संडीला निवासी एक महिला है, जिसके द्वारा बताया गया कि एक लेखपाल जो कि वर्तमान में BKT लखनऊ ग्रामीण में तैनात है, वो पहले संडीला में था। उसने इसे शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए और अभी शादी करने से इनकार कर रहा है। इस संबंध में उसके द्वारा दुष्कर्म करने का और अन्य धाराओं में अभियोग थाना संडीला में पंजीकृत कराया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में दर्जा प्राप्त मंत्री पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार साकेत मिश्रा मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि सांप के काटने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई थी, जिसके बाद मंत्री ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। ये पूरा मामला ललिया थाना क्षेत्र के भवनियापुर का है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार ने विकास खंड डुमरियागंज के ग्राम औराताल में NRLM के अंतर्गत THR प्लांट का निरीक्षण किया। इस THR प्लांट में बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण आहार के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले नमकीन, दलिया, मीठा दलिया, पंजीरी और बेसन आटा आदि का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट में 73 लाख के मशीन उपकरण लगाए गए हैं। वहीं इस प्लांट से प्रतिदिन 2.5 मीट्रिक टन पुष्ट आहार का निर्माण किया जाएगा। एक तो मतलब पहला एक ये था कि हम समूह की महिलाओं से इंटरेक्शन करें, उनके द्वारा क्या समस्याएं आ रही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे धरातल पर कितना काम उतर रहा है, उसको एक देखने की मंशा है। दूसरा, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे उनका फीडबैक लेना का एक उद्देश्य था कि उनसे जाने की उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा ये था कि ये टेक होम राशन का जो प्लांट लगा है ये हमारे समूह के द्वारा चालू किया जाना है। इसका विद्युत कनेक्शन जो था वो हमारा लगभग पास तक आ चुका है। 1-2 दिन में हमारी कोशिश है कि विद्युत कनेक्शन इस प्लांट को मिल जाए। उसके बाद जो मशीनें हैं ये समूह के महिलाओं के द्वारा ही एक तरह का मतलब कॉर्पोरेट कल्चर के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्लांट रन करे और जो आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं और छोटे बच्चे हैं उनको जो पोषाहार का वितरण होता था ये यहीं से बनेगा और यहीं आसपास के क्षेत्रों में आसपास के लोगों को ये वितरित किया जाएगा। इसको सुदृढ़ करने की हमारी कोशिश। कितनी महिलाओं को रोज़गार मिलेगा सर इससे? इसमें एक समूह इसको रन करेगा। अब मैं प्लांट की कैपेसिटी देखूंगा कि कितनी है। 2 शिफ्ट में काम चलेगा, तो कुछ लोग हम लोग हायर भी करेंगे, कुछ जो पुरुष भी उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है वो सारे समूह के द्वारा।
अगली खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर में एसओजी सर्विलांस और थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 48 घंटे में ही लूट की घटना को अंजाम दिए, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये घटना बख्तारपुर रोड पर हुई है, जहां पर घर जाते समय व्यापारी से दो अज्ञात व्यक्तियों ने धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट कर हैंडल में टंगे झोले को लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाना सिद्धार्थनगर में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। इन लुटेरों के पास से 51,000 रुपये मिले हैं। जब अपनी दुकान से घर को वापस जा रहे थे तो बख्तावरपुर रोड के पास इनके साथ लूट की घटना हुई, जिसमें थाना सिद्धार्थनगर की टीम एवं एसओजी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया है और इसमें 100% बरामदगी की है। जो पकड़े गए तीन अभियुक्त हैं अक्रम, मुजम्मिल, इफरात, ये तीनों ही कल्याणपुर थाना सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 51,000 रुपये और जो झोला जो उन्होंने लूटा था वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जो वादी का टिफिन था, चश्मा था, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, उसके जो बैंक की पासबुक और आधार कार्ड और एक साथ में जो इनकी दवाई की शीशी थी, ये भी इनके पास से बरामद की गई है। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। खबर हरदोई से है। हरदोई की कछौना थाना पुलिस ने औद्योगिक इकाइयों से वसूली करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग औद्योगिक इकाइयों से कई तरीके से अवैध वसूली का कार्य करते थे। कई संस्थानों के मालिकों से प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात करके प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से अच्छे संबंध का हवाला देकर जांच का भय दिखाकर उस कंपनी से धन उगाही का काम करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जनपद में थाना संडीला और थाना कछौना में इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं, अपना उद्योग व्यापार कर रही हैं। इसके बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न लोग इनसे उगाही धन उगाही का प्रयास करते हैं, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के नाम पर। इसमें जो है विगत में अभी DM साहब और मैं भ्रमण भी किए थे, लोगों की शिकायतें सुनी थी और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था जनपदीय पुलिस को कि इसके बारे में पड़ताल करें शीघ्र ही। इसमें फिर ज्ञात हुआ एक मुखबिर के द्वारा कि एक व्यक्ति है नवीन चंद यादव, जो कि कानपुर का रहने वाला है और वहीं पर उसने कंसल्टेंसी फर्म खोल रखी है ट्रीटमेंट प्लांट्स के संबंध में। अगली खबर मेरठ से है। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने यहाँ पहुंचकर खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की जान बचाई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में BJP ने ऋषिकेश मंडल की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जहां मौके पर कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक के प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दो पूर्व सैनिक रमेश प्रसाद डिमरी और जयराम कश्यप को सम्मान दिया। मंत्री ने 500 तिरंगे झंडा ऋषिकेश मंडल को सौंपा। मंत्री ने कहा कि ये देशभक्ति की भावना का कार्यक्रम है, ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। है जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान किया पूरे देशवासियों को कि हम अमृत महोत्सव में हम अपने घरों में झंडा लगाएं, हर घर तिरंगा। और जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकेश नगर में आज तमाम कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि हम आज से ही अपने घरों घरों में झंडा तिरंगा लगाने का अभियान शुरू करेंगे और सभी को मैंने तिरंगा यहाँ प्रदान किया है, दिया है, इनको भेंट किया है। इनसे विनती की है कि आप पूरे क्षेत्र में इसका उत्साह के साथ लगाने का काम करें और मैं अपने आन बान शान के प्रति तिरंगा के लिए जिन लोगों ने आप देखिए हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन आप देखिए आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, मैं उनको भी नमन कर रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और फिर से सबसे एक अपील कर रहा हूँ, एक अनुरोध कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के आह्वान पे हम लोग हर घर तिरंगा के अभियान में जुटे और हर घर में झंडा तिरंगा ये दिखना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।